हेलो दोस्तों, आशा पेट केयर में आपका स्वागत है। ये 7वें दिन की वीडियो है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बेबी मौली फिश के लिए मैंने बना रखा है, बेबी मौली फिश के लिए ही है ये। और ये ब्रीडिंग बॉक्स है, इसके अंदर काफ़ी सारी मौली फिशेज हैं। कुछ मिकी माउस मौली हैं और कुछ वाइट मौली और ब्लैक मौली हैं इसके अंदर। मैंने इनको रख रखा है। जैसे जैसे ये बेबी देती जाएंगी मैं इनको दूसरे टैंक में शिफ्ट करते जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने, अगर आपको देख रहा होगा कि कैमरे के मेरे कैमरे के आगे कुछ बेबी फिशेज हैं मौली की, ये मिकी माउस मौली के बच्चे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं वो ब्लैक मौली के हैं उसमें और वाइट मौली के हैं। आप दोनों को देख सकते हैं जो कि इसमें 50 के आसपास हैं, दोनों ने दिए थे। और कुछ बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये मैंने फ़िल्टर के ऊपर एक बॉटल लगा रखी है और उस पर बारीक बारीक सुराख कर रखा है। और इसमें बच्चे खिंचे ही नहीं जाएंगे, इसके फॉर्म से नीचे पक पाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैंने इसमें लाइव प्लांट लगा रखे हैं। ये प्लांट के बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा कि मैं ये कहाँ से लेके आया था। और ये आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे हेल्थी हैं, खाना वगैरह सब खा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये देखिए। और ये सारी प्रेग्नेंट मौली हैं, जितनी भी हैं इसमें सारी प्रेग्नेंट मौली हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ़िल्टर जो चल रहा है, लेकिन बेबी फिशेज को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ना मौली को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसका प्रेशर इस तरीके से बटा हुआ है कि पूरा प्रेशर ज़ोर से फैल रहा है, एक जगह नहीं रह सकता। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से बना कर इसे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। और ये मौली फिशेज हैं। आगे आने वाली अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहें आशा पेट केयर।